Good morning, class 3. How are you all? Take out your EVS book, page number 46. Children, we have read so many things about leaves, how leaves are important for us, what are the different parts of leaf, and why a leaf is known as the food factory of the plant, what are the different uses of leaves. We have read so many things about leaves. Now, today we are reading the last paragraph of leaves, that is shedding of leaves. Which paragraph are we reading? Shedding of leaves. Now, some trees shed their leaves in certain seasons. कुछ trees क्या होते हैं, एक season में क्या करते हैं, उनकी leaves झड़ जाती है, उनकी leaves गिर जाती है. उन trees को हम बोलते हैं deciduous trees. क्या बोलते हैं trees को? Deciduous trees. They are called deciduous trees. Some trees do not shed their leaves. अब कुछ trees ऐसे होते हैं जो अपनी leaves कभी भी shed नहीं करते, जिनकी लीव्स कभी भी नहीं गिरती, उन ट्रीज को क्या बोलते हैं? एवरग्रीन ट्रीज. क्या बोलते हैं? जो हमेशा ग्रीन रहते हैं, एवरग्रीन. दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज. वी शुड नॉट थ्रो द फॉलन लीव्स. अब जो पत्तियां पेड़ से गिर जाती है, हम क्या करते हैं? हम उसे फेंक देते हैं, पर हमें उसे फेंकना नहीं चाहिए. वी कैन यूज देम टू मेक कम्पोस्ट. हम उसका कंपोस्ट बना सकते हैं. क्या बना सकते हैं हम टूटी हुई लीव्स का? कंपोस्ट. कैसे बनता है ये? टू मेक कंपोस्ट, कंपोस्ट बनाने के लिए वी डिग अ होल इन द अर्थ. हम अर्थ में गड्ढा करते हैं, एक होल, एक पिट करते हैं, यानी कि गड्ढा करते हैं. वी पुट द फॉलन लीव्स इन टू द पिट. और उस गड्ढे में हम क्या कर देते हैं? उन टूटी हुई लीव्स को डाल देते हैं. दे रॉट इन द सोइल. वो सॉइल में जाके क्या होती है? सड़ जाती है, सारी लीव सड़ जाएंगी. आफ्टर सम टाइम एंड फॉर्म कंपोस्ट. और उसका क्या बन जाएगा? कंपोस्ट. अब ये किस काम की है? इससे क्या होता है, जब हम कंपोस्ट बनाते हैं तो हमारी सॉइल बहुत फर्टाइल हो जाती है, मतलब सॉइल बहुत अच्छी हो जाती है, हमारी मिट्टी बहुत अच्छी हो जाती है, और उसमें आप कुछ भी बहुत अच्छा उगा सकते हैं. फ्रूट, वेजिटेबल्स, प्लांट्स, ट्रीज, आप कुछ भी उगाओगे तो बहुत अच्छा उगेगा, क्योंकि हमारी सॉइल में ताकत आ जाती है उससे. जब आपकी लीव्स झड़ती है ट्रीज से और आप उसे गड्ढे में डाल के बंद कर देते हो, तो उससे क्या होता है, हमारी मिट्टी में जान आ जाती है और उसमें बहुत अच्छी क्या होती है, फार्मिंग हो सकती है, बहुत अच्छी सॉइल में बहुत अच्छे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स उग सकते हैं. कंपोस्ट मेक्स द सॉइल फर्टाइल. प्लांट्स दैट ग्रो इन सॉइल मिक्स्ड विथ कंपोस्ट आर हेल्दी. जो प्लांट कंपोस्ट से पैदा होकर बनते हैं वो बहुत ही हेल्दी होते हैं. दे गिव गुड प्रोड्यूस. उससे अच्छे अच्छे फल, अच्छे अच्छे फ्रूट्स, फ्लावर्स सब निकलते हैं. ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपके घर के आसपास अगर लीव्स टूटी हुई होंगी तो आपको वो लीव्स इकट्ठी करनी है, एक गड्ढा खोदना है कहीं पे भी अपने घर के पास, उसमें वो लीव्स डालनी है और उस गड्ढे को बंद कर देना है. तो इससे क्या हुआ, आपने कंपोस्ट बनाया और आपकी जो सॉइल है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत फर्टाइल हो जाएगी, और जो आने वाली जनरेशन है उनके बहुत काम आएगी वो. तो देखो, अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तभी तो हमारी आने वाली जनरेशन को फायदा मिलेगा, है ना. तो आप सबको ये करते हुए एक वीडियो बनानी है कि जो भी फॉलन लीव्स है उसे लेना है, एक गड्ढा खोदना है ग्राउंड में, उसमें वो लीव्स डालनी है और गड्ढे को बंद कर देना है. अब वो लीव्स अपने आप कुछ टाइम बाद सड़ के कंपोस्ट बना लेंगी. ठीक है, तो ये करते हुए आपको एक वीडियो बनानी है और मैम के साथ शेयर करनी है. ओके, एंड एवरीवन हैज टू डू दिस. ऑलराइट, नाउ विल डू सम रिकैप वर्क. लीव्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट. लीव्स क्या है? प्लांट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. लीव्स डिफर इन शेप, साइज, एरोमा एंड कलर. लीव के साइज अलग अलग साइज होते हैं, अलग अलग शेप, अलग अलग कलर, अलग अलग सब कुछ. उनका जो पैटर्न होता है लीव्स का वो बिल्कुल क्या होता है, अलग अलग होता है सबका. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स. ज्यादातर प्लांट की कैसी लीफ होती है? ग्रीन कलर की लीफ होती है. लैमिना यानी कि ये लीफ प्लेट, स्टॉक एंड वेन्स आर मेन पार्ट्स ऑफ अ लीफ. लीव्स को क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री. क्यों? क्योंकि लीव्स प्लांट के लिए क्या बनाती है? खाना. लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट.
ग्रीन कलरिंग मैटर इन लीव्स, जो ग्रीन कलर देता है लीव्स को वो क्या होता है, क्लोरोफिल, इज कॉल्ड क्लोरोफिल। लीफ खाना किससे बनाती है, एयर, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ग्रीन लीव्स मेक फूड यूजिंग क्लोरोफिल, एयर, वाटर एंड सनलाइट। लीव्स आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। ओके, हैव यू गॉट इट चिल्ड्रन? इट्स वेरी इजी। सो इन योर होमवर्क टुडे यू हैव टू मेक अ वीडियो डूइंग दिस एक्टिविटी इन विच यू हैव टू कलेक्ट सम लीव्स, यू हैव टू डिग अ होल इन द ग्राउंड, यू हैव टू पुट द लीव्स इन टू इट एंड देन बरी देम। ओके, दिस इज हाउ यू आर हेल्पिंग इन मेकिंग द कम्पोस्ट। यू ऑल हैव टू मेक कम्पोस्ट इन द वीडियो एंड यू हैव टू शेयर इट विद मी। ऑल राइट, सो दिस इज योर एक्टिविटी फॉर टूडे एंड विल मीट अगेन एंड विल डू सम फोकस वर्ड्स एंड एक्टिविटीज। बाय बाय, टेक केयर।